गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अवैध शराब के ट्वीट पर राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को अवैध शराब मामले में बोलने का हक नहीं है। उनकी ही कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह को प्रदेश का सबसे बड़ा शराब माफिया बताया था। उन्होंने कहा सरकार शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा था कि प्रदेश के सबसे बड़े शराब माफिया हैं दिग्विजय सिंह। अब दिग्विजय को अवैध शराब को लेकर बोलने का अधिकार नहीं। उन्होंने कहा सरकार लगातार शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, माफियाओं के अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। शराब माफियाओं के खिलाफ कड़े कानून की आवश्यकता है। शराब माफियाओं के खिलाफ कठोर कानून इसी सत्र में आ सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में हो रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि राजस्थान पंजाब में भी ऐसे ही हालात हैं, झूठ बोलेंगे तो दिक्कत में आएगी ही। उन्होंने कहा दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेताओं की वजह से यह कलह हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस की यह परंपरा भी पुरानी है। उमंग सिंघार ने उस समय बताया था कि सबसे बड़ा शराब माफिया अगर कोई है तो दिग्विजय सिंह जी है। ना तो उमंग सिंघार ने खंडन किया ना उनने किया। ये मैंने उद्भूत इसलिए हुआ इस आपके सवाल से कि उन्हें शराब पर बोलने का हक नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक शराब की बात है, ये जितने भी शराब माफिया आप कह रहे हैं ये कोई भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। कल ही जो मुख्य आरोपी था जयपाल सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके सारे अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया गया है। दूसरा पिंटू सिंह है, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर की रिपोर्ट में अभी पीएम की आ नहीं पाई है, आज आ जाएगी। इंदौर के भी सारे के सारे माफियाओं पर हम नजर रखे हुए हैं और उन पर भी इसी तरह की मंदसौर जैसी कार्रवाई करेंगे। हमने पूरे प्रदेश की पुलिस को भी ताकीद किया है कि इस तरह के लोग जो शराब के धंधों में अवैध में लिप्त हैं उन पर पैरी नजर रखकर कार्रवाई करें। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने इसकी बैठक ली थी, मैं भी था। इसका जो कानून है उसे कड़ा करने की आवश्यकता है और उसको हम सामूहिक क्राइम जैसा वहां पर बनाया है उत्तर प्रदेश में, उसका अध्ययन करने के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर शीघ्र कठोर कानून इन शराब वालों के खिलाफ हो सकता है इसी सत्र में आ जाए अगर ठीक हो गया तो। अकेला छत्तीसगढ़ क्यों देख रहे हो आप? राजस्थान क्यों नहीं देख रहे? पंजाब क्यों नहीं देख रहे? यही दो तीन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बची है। अब जब दिल्ली में बैठे वाले लोग ही कुछ फंसा देंगे तो फिर दिक्कत तो आती है। पंजाब में सिद्धू को फंसा दिया, अब दिक्कत तो आई बहुमत की सरकार में। अब ढाई ढाई साल का वादा क्यों किया आपने? वो किया तो बाबा साहब जो हमारे हैं राजा साहब सिंहदेव जी, उनको क्यों नहीं बना रहे? दिक्कत तो आएगी। झूठ बोलते क्यों है यही समझ में नहीं आई। अब सचिन पायलट दिल्ली जाएगा ही ना, बेचारा भगेगा ही ना, आप क्यों नहीं बना देते हो? और नहीं बना सकते थे तो वादा क्यों किया? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।